हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और न्यू ईयर की पार्टी के लिए आप जगह ढूंढ रहे हैं? अरे यार, मैं हूँ ना, मैं आपको जिस जगह लेके आया हूँ ना, वहाँ पार्टी का सारा सामान मिलता है जी। दी ओल्ड मॉन्ग कैफे, यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिलेगा। और नाम पे मत जाइए, ये बिहार है, बिहार में सिर्फ नाम ही मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ की एड्रेस की अगर बात करें तो ये जो रोड देख रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा स्टेशन रोड है। ये इस साइड आपको पाटलिपुत्रा स्टेशन की तरफ जाएगा। और जैसे ही आप पाटलिपुत्रा स्टेशन रोड में घुसेंगे ना, थोड़ी ही दूर पे 100 मीटर की दूरी पे आपको ये दिख जाएगा, दी ओल्ड मॉन्ग कैफे। तो चलिए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, और खा के बताते हैं आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए इनके किचन में। ओ माय गॉड, पटना में किसी रेस्टोरेंट कैफे का इतना बड़ा किचन आपने देखा है? ओए होए, यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ वेजिटेबल कट रहा है। और वो जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना, वो मोमो डिपार्टमेंट है। और बाकी सारा आइटम्स आपको इधर बनते हैं। ये देखिए भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पता नहीं, बाप रे बाप, इतने लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। और ये भाई इतनी बड़ी किचन, और पता है इनका एक आगे भी किचन है, वो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है इनका दूसरा किचन, जहाँ पे आपको चाइनीज़ आइटम बनते हैं भाई। अरे चाइनीज़ आइटम, ये देखो जी, ये क्या, चिकन पकौड़ा, चिल्ली चिकन के लिए पकौड़ा फ्राई हो रहा है। चिल्ली चिकन के लिए पकौड़ा फ्राई हो रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? अच्छा, चिल्ली चिकन का ग्रेवी इधर तैयार हो रहा है। वो देखिए, नूडल्स रखा गया है। अरे वाह, ज़बरदस्त, मतलब कि सारा सेटिंग अलग अलग है, उधर इंडियंस और ये रहा चाइनीज़। वाह ज़बरदस्त। तो गाइस आइए, हम यहाँ का, आप तो किचन तो देखा, यहाँ किचन ही बड़ा नहीं है, यहाँ के कुक जो है ना, वो भी बहुत वैरायटी वाले हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ सर से। ये सर स्पेशली श्रीलंका से हैं जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य बहादुर जी, नमस्कार। इससे पहले कहाँ थे आप? श्रीलंका में, हमको मेन शेफ में करते थे। मेन शेफ, वहाँ कितने दिन काम किया आपने? वहाँ हमने 1.5 साल काम किया सर। 1.5 साल जी। अच्छा, तो बेसिकली ये बताइए कि श्रीलंका और यहाँ बिहार में क्या डिफरेंट लगा आपको टेस्ट वाइज? टेस्ट तो वहाँ का स्पाइसी फूड ज़्यादा चलता है, लेकिन बिहार के अंदर हमने ये देखा कि मटन का यहाँ बहुत डिमांड है। मटन बहुत अच्छा सेल है मटन का यहाँ पे। अच्छा। मटन बहुत लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, और मटन वाकई में यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं कि यहाँ का मटन हर जगह पे जो है कि बिहार के अंदर में मटन फेमस है। और अच्छा भी यहाँ से भी हम लोग का अच्छा जा रहा है, मटन का भी सेल अच्छा जा रहा है, और चिकन का भी अलग अलग वेराइटी हम लोग ने वो किया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ मटन के शौकीन हैं यहाँ पे लोग। आज आप हमें क्या खिला रहे हैं? आज हमें आपको मटन रोगन जूस और उसके बाद चिकन पटियाला स्पेशली और टंगड़ी कबाब, ये सब खिलाने जा रहे हैं आपको, और स्टफ कुलचा। तो गाइस चलिए फटाफट अब सर बनाएंगे, फिर देखते हैं, प्लेट लगवाते हैं और खाते हैं, और खा के बताते हैं आपको कि कैसा है यहाँ का टेस्ट। तो गाइस, मोमो डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इनके हाथों में है सारा, यही देखती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चिकन मोमोज, वेज मोमोज और पनीर मोमोज, और ये स्पेशली दार्जिलिंग से आई हैं। नहीं, अब दार्जिलिंग से, जी जी, ये दार्जिलिंग से आई हैं और ये मोमो डिपार्टमेंट देखती हैं भाई। तो गाइज ये देखिए, ये बन रहा है हमारा मटन रोगन ना जी, मटन। अच्छा, क्या क्या डलता है इसमें? इसमें सर हम लोग मटन को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, और उसके बाद जो है कि मटन का ग्रेवी हो गया, टमाटो प्यूरी हो गया, हल्का काजू पेस्ट टच करते हैं,
ठीक है ना, उसका टेस्टिंग के लिए। और उसमें मसाला वगैरह देते हैं हम लोग, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग, कसूरी मेथी और ये आपका कसूरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार और लच्छा जिंजर मिक्सिंग कर रहे हैं। और इसमें कोरिएंडर और लच्छा ग्रीन चिल्ली, जिंजर लच्छा स्लाइस, इसमें रोगन करके हमने गार्निशिंग कर चुके हैं, इसको गार्निशिंग कर चुके हैं, इसको आप लोग खाने में सर्व कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पूरा रेडी हो चुका है। क्या है ये? ये रोगन है सर। अच्छा, रोगन है, हम लोग रोगन खुद बनाते हैं इसको, कश्मीरी मिर्चा और ऑयल। तो ये देखिए भैया अपना टंगड़ी कबाब इधर लग रहा है, कितना टाइम लगेगा भैया इसको? 10 मिनट लग जाएगा इसको रोस्ट होने में। हाँ देखिए ये अपना स्टफ कुलचा बन रहा है, क्या कौन क्या क्या स्टफिंग है इसमें? कैरेट, बीन्स, आलू, मटर, पनीर, नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सभी इसमें पड़ता है। और धनिया ऊपर से डाल के उसको स्टोव करके उसके बाद बनाते हैं। कितना टाइम लगेगा इसको? बस हो गया है, रेडी हो गया। रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया। अरे वाह गाइस, ये देखिए अपना गर्मा गर्म स्टोव कुलचा निकल कर रेडी हो गया है और इस पर अब लगेगा बटर। अरे वाह, डाली डाली डाली, जबरदस्त। तो फाइनली अपना टंगरी कबाब बन के रेडी हो गया है, तो अब वेट क्या करते हैं, फटाफट इसको लगवाते हैं टेबल पे। फाइनली अपना प्लेट लग रहा है, निकालिए। हाँ जी, तो ये है, क्या है? चिकन? ये है जी चिकन पटियाला। अरे बस बस एक ही, ठीक है। अब ये भाई मटन रोगन निकल रहा है अपना, और थोड़ा लाइव म्यूजिक चल रहा है तो उसका साउंड आपको आएगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना है। वाह जबरदस्त कुलचा दे दीजिए। हाँ एक जी, ये है जी अपना स्टफ कुलचा। ओहो जबरदस्त, एक ही रहने दीजिए, एक ही रहने दीजिए। वाह, और हमारा एक चिकन लेग पीस है, यानी चिकन कबाब है, ये चिकन टंगड़ी कबाब। तो आइए पहले इसी से शुरुआत करते हैं। और ये ट्राई करते हैं इसको। प्रॉपर कुक्ड है और बटर का इतना यूज हुआ है ना इसमें, पूरा एकदम बटर का फ्लेवर आ रहा है स्मोक फ्लेवर के साथ साथ। तो बटर पसंद है ना, तो ये आपको बहुत मजा देने वाला है। आइए ट्राई करते हैं मेन कोर्स। ये देखिए ये मटन है, तो पहले ट्राई करते हैं स्टफ नान के साथ मटन ट्राई करेंगे। ये देखिए मटन का पीस, वाह देख रहे हैं मटन प्रॉपर कुक्ड है भाई, बहुत कम जगह आपको ऐसा मिलेगा रेस्टोरेंट में इतना कुक्ड मिलेगा भाई। आइए इसको ट्राई करते हैं ग्रेवी के साथ, जबरदस्त। हल्का स्पाइसी और मटन इतनी प्रॉपर तरीके से कुक है ना, मुंह में जाते ही घुल जा रहा भाई। और देख रहे हैं आप, देखिए ये आपको दिखा दूं, ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से कुक्ड है, मतलब रेस्टोरेंट में ना इतना प्रॉपर कुक्ड मैंने शायद नहीं खाया अभी तक, बहुत बढ़िया। अब ट्राई करते हैं यहाँ का चिकन पटियाला। पहले मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए ये ऊपर से ऑमलेट की रोल टाइप का बनाया और इसमें ये देखिए चिकन का ये डाला हुआ है भाई, देख रहे हैं। आइए पहले इसको ट्राई करते हैं एक बार, ये देख। इतना मस्त जूसी लग रहा है ना, लग रहा है इसको चबाए जाऊं
बहुत सही। और ये जो चिकन है ना, चिकन को पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूँ, देखिए ये चिकन का पूरा कीमा अच्छे तरीके से बहुत प्रॉपर कुकड है, और ये बिल्कुल ना एकदम लाइट स्पाइसी टाइप का है, और ये ऑमलेट के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से रोल टाइप का बनाया है, और बहुत सही लग रहा है ये देख रहे हैं आप। आहा, जबरदस्त। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अभी कल या कभी भी आप अगर पार्टी का प्लान कर रहे हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकता है ये। अभी लाइव म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे, अभी वहाँ पे लोगों ने आग लगाया, मतलब कि फायर का भी व्यवस्था किया हुआ था कि ताकि आपको ठंड में आराम से उधर बैठ के, स्मोकिंग एरिया भी आपको दिखाएं, मस्त आप बैठ के स्मोक कर सकते हैं। और भाई फूड ना अल्टीमेट है भाई। तो एक काम करते हैं, मैं करता हूँ इसको फिनिश, मिलते हैं आपको अगली जगह में, तब तक के लिए खुश रहिए।